चलिए बच्चों, अब भी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। जो जो थ्योरी पार्ट हमने पढ़ा था उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर का प्रॉब्लम देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 55 मीटर हाइट है इसकी, और एक दूसरी बिल्डिंग है उसके सामने, है ना, और इसके छत से चढ़ के हमने कोई चीज को फेंका है, ठीक है, कितने स्पीड से फेंकोगे। बोलता है कि छत से चढ़ के फेंका है और उसको कहाँ पे आना है, उसको यहाँ पे खिड़की पे आके गिरनी है। ओके, तो बोलता है कितने स्पीड से फेंकोगे कि जाके ये कहाँ पे गिर जाए, ये वाले बालकनी में आके वो ऑब्जेक्ट गिर जाए। ओके, तो चलो देखते हैं, बात करते हैं कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना। एक बात बताओ मुझे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 180 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 180 मीटर, है ना, ये भी कितना हो गया, 180 मीटर। ओके, इट मींस ये जो प्रोजेक्शन का केस है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बन गया ना, और यहाँ पे हाइट हम लोग कितना मेजर करेंगे, यहाँ से यहीं से हमें रेंज देखना पड़ेगा ना इसका। इसको अगर बाहर निकालोगे तो ये कुछ इस तरह का केस हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है 180 मीटर, और ये वाला हाइट अगर आपको पता करना है तो ये हो गया 55 और ये हो गया 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 45 मीटर, और यहाँ से हमने किसी चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है। ओके, आपको पता है कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, तो रेंज इक्वल टू होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू इंटू टी बोलते हैं हम लोग, है ना, यू का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अच्छा यू अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाए, रेंज तो हमें पहले से ही पता है, तो हम लोग यू निकाल सकते हैं क्या। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करेंगे। एक बात बताओ मुझे, टोटल वाई में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ गिरने में, यही है ना, यहाँ से यहाँ पे गिर रहा है, मतलब वाई में इतना डिस्प्लेसमेंट, एक्स में इतना डिस्प्लेसमेंट, तो वाई का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 45 मीटर। ओके, अब देखते हैं यू आई का वैल्यू हमें कितना पता है, यू आई कितना है यहाँ पे, इनिशियली पूरा का पूरा वेलोसिटी एक्स में है, वाई में कितना है, जीरो। ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना हम लोग। ओके, अगर एस वाई का वैल्यू हम लोग टोटल माइनस 45 मीटर लेते हैं, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लिख देते हैं माइनस 45, यू वाई की जगह पे जीरो प्लस हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी और इंटू कितना, टी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ से टी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 45 इंटू 2 और अपॉन 10 का अंडर रूट, ये मिल गया आपको अंडर रूट 9, इट मीन्स व्हाट, 3 सेकेंड, है ना। अब तो आसान हो गया, हमें रेंज निकालना, हमें रेंज का वैल्यू पता है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया है, हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आर इक्वल टू कितना, यू इंटू टी। ओके, कितना हो जाएगा वैल्यू, 180 मीटर इक्वल टू, यू का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू कितना है, 3 सेकेंड, यहाँ से यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वॉट कि अगर आपको यहाँ से बॉडी को यहाँ पे पहुँचाना है तो हमें कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा, हमें 60 मीटर पर सेकेंड से फेंकना पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखते हैं हम लोग कि देखो, अगर मान लो एक टावर है और टावर से दो चीज़ें हमने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दी है, एक को फेंक दिया 9 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को फेंक दिया 4 मीटर पर सेकंड से। बोलता है क्या कि उस समय का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों बॉल के बीच का उस समय का डिस्टेंस बताओ जिस समय इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है, कौन सा वो डिस्टेंस होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो देखते हैं, लाइक मान लो इसको हमने इधर फेंका है, ठीक है, तो इसका कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ, और इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, सही बात है, है ना, ये थोड़ा ज़्यादा दूर पे गिरेगा क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी से हमने फेंका है, ठीक है, और ये थोड़ा कम डिस्टेंस पे गिरेगा, ओके, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। ओके, मान लो एट एनी टाइम टी, है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एट एनी टाइम टी मान लेते हैं कि ये बॉडी कुछ यहाँ पे है और ये बॉडी कुछ यहाँ पे है, है ना, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, ये हो गया v1, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहा, ये रहा v2, और ये दोनों को क्या बोल रहा है कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, एट एनी टाइम टी दोनों के वेलोसिटी क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, गॉट इट, हाँ बोलो ना बोलो। चलो अब देखो,
ये हो गया वेलोसिटी वी वन और ये हो गया वेलोसिटी वी टू, और दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कितने देर में, एट एनी टाइम टी, और यही दोनों के बीच का ये वाला हमें डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। क्या दिमाग चल रहा है आपका, ठीक है सोच के देखो, है ना, आपके लिए एक मिनट का समय है, सोचो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलो स्क्रीन को मैं पॉज करता हूँ, तब तक आप सोचो और उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ। चलिए फटाफट सोचिए इसके बारे में क्या सोच सकते हैं आप। देख लिया आपने, सोच लिया, क्या दिमाग में आया बताओ। टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी हो गई v2 और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये दो वेक्टर हैं, है ना, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स व्हाट, कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं और दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो गया उसका वैल्यू, जीरो। तो बस इजी हो गया, हम लोग टी टाइम में क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे और दोनों का डॉट कर देंगे, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइम में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और उस टाइम से मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा। चलो देखते हैं, करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले ये वाले पार्टिकल को बोल देते हैं वन, ये वाले पार्टिकल को बोल देते हैं टू। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्टिकल के साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वी वन का वैल्यू कितना होगा, वी वन का वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू तो एज इट इज रहने वाला है कितना, 9 meter per second, और ये वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वी वन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई का वैल्यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कुछ भी नहीं होता है तो जीरो, और ये कितना हो जाएगा, ए वाई का वैल्यू माइनस जी और इंटू कितना, टी। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, -10t बोल देंगे। ये हो गया वी वन वाई, है ना, मतलब यहां से अगर मुझे वी वन वेक्टर का वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 9i cap - 10t j cap, इतना लिखूंगा। ओके, और अगर सेकंड पार्टिकल के लिए मैं बात करूं, फॉर सेकंड पार्टिकल, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जितने देर में ये इधर गिरेगा उतने देर में इधर कुछ गिरा होगा ये सेम टाइम में। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, v2 के भी दो कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, कितना है, 4 meter per second, तो ये भी कितना होगा, 4 meter per second, है ना, और y वाला कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस कितना हो जाएगा, ui का वैल्यू जीरो है, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी, सही बात है। ओके, तो कितना मिला ये आपको, -10t मिला। अब यहाँ से आपको v2 वेक्टर भी आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, तो हम लोग लिखेंगे -4i cap, ये किधर है, 4 माइनस के डायरेक्शन में, अगर इसको हम प्लस बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, -4i cap और कितना, -10t j cap, गॉट इट। ये हमें दो वैल्यू मिल गए एट एनी टाइम टी, दोनों का वेलोसिटी कितना होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि टी टाइम में हमने क्या कंसिडर किया है, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लगा लेंगे हम यहाँ पे 9i cap - 10t j cap डॉट -4i cap - 10t j cap इज इक्वल टू जीरो। आई से आई को डॉट करते हैं तो 1 मिलता है और आई से जे को डॉट करते हैं तो 0 मिलता है, उसी फंडे पे हम लोग चलेंगे, तो 9i cap - 4i cap कितना हो जाएगा, -36। ओके, और ये आई डॉट जे खत्म, जे डॉट आई खत्म, जे डॉट जे कितना हो जाएगा, प्लस 100t² इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 × 10 100t² इक्वल टू जीरो। तो यहां से t² का वैल्यू कितना मिला आपको, ये मिला 36/100, मतलब t का वैल्यू कितना मिला, 6/10 सेकेंड। ठीक है, मतलब 0.6 सेकेंड में, 0.6 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपको बताना है अगर डिस्टेंस, तो आप बताओ मुझे क्या डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही बताना है ना एक दूसरे के बीच का। वर्टिकल तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, दिख रहा है आपको, सेम वेलोसिटी है, सेम दोनों नीचे आएंगे सेम टाइम में, है ना, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, टाइम सेम लिया हमने, तो वर्टिकल का तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। अब ये टी टाइम में कितना चलेगा और ये टी टाइम में कितना चलेगा, दोनों को हम लोग अगर ऐड कर लेते हैं तो ये डी डिस्टेंस मिल जाएगा।
इसके विड्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये नेग्लिजिबल मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये टावर की हाइट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं कितना हो जाएगा। डी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये बताओ, कितना डिस्टेंस इसका हो जाएगा, तो 9 इंटू कितने देर में, तो टी टाइम में, है ना। और इसके लिए कितना डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितने देर में, तो टी टाइम में, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 9 + 4 और इंटू कितना टी, तो 13 × 6/10 दैट इज इक्वल टू वॉट, तो 7.8 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना। दोनों एक दूसरे से कितना दूर होगा, 7.8 मीटर। चलो कुछ और आगे बातें करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो चलिए कुछ और बातें करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं, ये कुछ ऐसा होगा कि एक टावर से हमने किसी चीज़ को किधर फेंक दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया, और ये ऐसे आके गिर गया। ओके, आके यहाँ पे गिर गया, कितने मीटर पर सेकंड से फेंका है आपने, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और इसका जो एंगल है ये है कुछ 37 डिग्री, और ये 11 मीटर का टावर है ना। इतनी बातें हैं, अब देखते हैं इसमें भी आपको अगर अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा एंड ऑल, तो इसमें अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, चलो देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 10 का कंपोनेंट टूटेगा दो, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। ये हो जाएगा कितना, 10 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, 10 sin 37 डिग्री। साइन 37 का वैल्यू 3/5, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और cos 37 का वैल्यू 4/5, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फाइनली बॉडी यहाँ से निकली है और आके यहाँ पे गिरी है, मतलब y में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, -11 मीटर, और sy इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, uyt + 1/2 ay t2। sy का वैल्यू है -11, ui का वैल्यू कितना है, कितना है ये, -6 × t + 1/2 ay का वैल्यू -c × t2। ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -11 = 60 - 5t2, ठीक है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया ये, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 5t² + 60 - 11 = 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो कैसे, आप कर सकते हो सॉल्व या फिर मैं करके दे देता हूँ, चलो देख लेते हैं। 5t² 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूँगा +11t - 5t - 11 = 0, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, 5t² - 5t + 11t - 11 = 0। यहाँ से हम लोग 5t कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा ये, 5t + 11, और यहाँ पे आ जाएगा t - 1 = 0। ओके, अब यहाँ से आपका t के दो वैल्यू आएंगे, एक आ जाएगा -11/5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -11/5 सेकेंड, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू कितना, 1 सेकेंड। एज वी नो कि टाइम का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। अगर आपको इसमें रेंज पूछ देता है तो आप रेंज कैसे निकालोगे, तो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा रेंज के लिए, कौन सा वेलोसिटी लेंगे, एक्स वाला वेलोसिटी, दैट इज 10 cos 37 डिग्री, इंटू टोटल टाइम कितना लगा है आने के लिए, तो लगा है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा वैल्यू ये, 8 × 1 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, अगर आपसे मान लो यहाँ का वेलोसिटी पूछता है बी पॉइंट का, कितना हो जाएगा वेलोसिटी, तो हम लोग बी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx² + vy²। अब यहाँ पे vx, ये वाला vx, इसका वैल्यू कितना रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, 8 मीटर पर सेकंड रहेगा, हाँ बोलो ना बोलो, ठीक है। और y में कितनी हो जाएगी, तो y में चेंज हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा ये, तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, इसको यहाँ पे फिलहाल मैं vy बोल देता हूँ। vx का वैल्यू कितना, 8² + vy² = कितना हो जाएगा, तो आपको क्या पता है, आपको या तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल लो, ठीक है, और नहीं तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो उससे निकाल लो। तो बताओ क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, vy इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ui + ay × t लिख सकता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ से, √8² + ui का वैल्यू आपको पता है कितना, 6 है ना,
कितना है 6 माइनस में प्लस में किधर है ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस और क्या हो जाएगा माइनस जी जी का वैल्यू कितना कितना लिख देंगे हम लोग 10 इंटू कितना टी का वैल्यू 1 का स्क्वायर ओके क्या मिलेगा आपको 8 स्क्वायर प्लस माइनस 16 हो जाएगा क्या ये 10 इंटू 1 तो माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर बोल देते हैं 64 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 256 सही बात है अब यहाँ से 64 प्लस 256 कितना आ जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो 64 प्लस 256 हो जाएगा आपका 260 और 60 कितना हो जाएगा ये 320 ऐसे लिख सकते हैं इसको और 64 का कितना हो जाएगा ये 8 रूट 5 क्या हो जाएगा 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी ठीक है आपने तीनों टाइप के एक एक प्रॉब्लम देख लिए हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसको ठीक है नोट कर लीजिए इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं देखो एक बॉडी है उसको कुछ 110 मीटर हाइट से हम लोगों ने क्या कर दिया है ऊपर से जाके ऐसे हमने उसको थ्रो कर दिया है ना ये हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं अबव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना कितने एंगल पे फेंक दिया हमने यहाँ से 37 डिग्री एंगल पे फेंक दिया है कितने वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड अब यहाँ से देखो इसमें दो डायरेक्शन में मोशन होगी एक्स और वाई दोनों में तो एक्स एक्सिस का भी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं और वाई का भी निकाल लेते हैं इसमें वाई का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है इसमें वेलोसिटी का एक क्या है ये इस डायरेक्शन में है मतलब इसके एक्स में भी कुछ कंपोनेंट आएगा और वाई में भी आएगा तो एक्स में कितना आएगा ये आ जाएगा 10 कॉस 37 डिग्री और वाई में कितना आएगा तो वो आ जाएगा 10 साइन 37 डिग्री साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 तो 10 इंटू 3/5 हो जाएगा यहाँ पे कितना 6 मीटर पर सेकेंड ओके ये 6 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ 8 मीटर पर सेकेंड कॉस 37 का वैल्यू कितना हो जाता है 4/5 तो 10 इंटू 4/5 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड अब हमें एक एक करके यहाँ पे चीज़ निकालना है मैंने सारे डाटा आपको पहले भी बताए हुए हैं ठीक है कि कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं अब हॉरिजॉन्टल लेवल में तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ और कैलकुलेशन आपके जिम्मेदारी है ओके तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग और एस वाई का वैल्यू कितना है बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ना मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम तो यहाँ से यहाँ तक में जब गिरा है वो तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस 110 मीटर है ना और यू आई का वैल्यू कितना है यू आई का वैल्यू है इनिशियली 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग 6 इंटू टी टी के जगह पे क्या लिख देते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको हम बोल देते हैं कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया जी के जगह पे लिख दो यहाँ पे 10 और ये हो गया कट गया इधर आ गया तो कितना मिल जाएगा आपको 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 110 इक्वल टू जीरो क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जो भी सॉल्व करोगे वहां से आपका t का वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एंड देन आफ्टर व्हाटएवर डेटा जो भी डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टाइम का वैल्यू निकाल लोगे फिर आपसे पूछता है क्या मैक्सिमम हाइट है ना तो देखो मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट कहां से पूछा है फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इस लेवल से यही लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है ना तो यहां से कितना हाइट पे जाएगा ये वाला मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा ओके तो हम यहां से मैक्सिमम हाइट देखते हैं एच का वैल्यू कितना हो जाएगा ये इसमें तो कोई हमें कुछ करना ही नहीं है ठीक है जो पहले के लॉजिक है उसी के ऊपर हमें चलना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का ठीक है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर तो यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 6 6 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 36/20 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग वट एवर जो भी वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा बताओ आ जाएगा ये 1.8 मीटर इतना ऊपर जाएगा ये ओके नेक्स्ट बोला है आपसे कि रेंज बताओ तो रेंज इक्वल टू हम लोग क्या बना लेंगे रेंज है ना हाँ आर का वैल्यू हो जाएगा कितना रेंज मतलब एक्स वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट तो एक्स वाली वेलोसिटी से चलेगा और एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या लिखेंगे आर बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए टी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू जीरो तो सिंपली कितना हो जाएगा ये यू एक्स इंटू कितना ये टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि हमें
टोटल रेंज चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके अब देखो यूएक्स का वैल्यू हमें पता है कितना है, 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज। देन आफ्टर वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बोलता है कि वेलोसिटी बताओ जब ये ग्राउंड के पर स्ट्राइक करे, इसको बोल देते हैं हम इसका वैल्यू कितना है VB, है ना। क्या कर लेंगे, X का वैल्यू निकाल लेंगे, Y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और उससे आपका VB निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी एट पॉइंट B लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी एट पॉइंट B ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, और Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, Vx का वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, जितना था उतना ही रहेगा 8 मीटर पर सेकंड, और ये Vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Vy का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस, दिख रहा है आपको, रुको थोड़ा बड़ा लिखता मैं इसको, यू स्क्वायर प्लस 2gh। y में नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक h हुआ है, और कितना वेलोसिटी है इनिशियल इसका, तो ui बोल देता हूं इसको मैं, ui स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, ये हो जाएगा आपका किसका वैल्यू, vy का वैल्यू। ओके vby का वैल्यू, इसको इसमें पुट कर देते हैं, vx की जगह पे कितना है 8 है, लिख देंगे 8 का स्क्वायर, और vy की जगह पे कितना हो जाएगा ui का स्क्वायर, ui का स्क्वायर प्लस 2gh, तो ui का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना, h का वैल्यू 110, तो 2 इंटू 10 इंटू 110 ये आ गया आपका वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगा, वही आपका वेलोसिटी हो जाएगा एट पॉइंट बी। ओके तो चले और भी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे इसके बारे में, ठीक है फिलहाल इतना, बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो फटाफट नोट करो अगर आपको ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, और हाँ अगर प्रॉब्लम करने में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए।